16 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में बाजार में तेजी देखने को मिली। इस हफ्ते निफ्टी ने 0.72%, सेंसेक्स ने 0.93% और बैंक निफ्टी ने 0.02% रिटर्न दिया है। मिड कैप इंडेक्स में 0.86% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.1% की तेजी रही। सेक्टर इंडेक्स की चाल पर नजर डालें तो आईटी में सबसे ज्यादा तेजी रही। इस हफ्ते आईटी में 4.64%, ऑटो ने 1.05%, एफएमसीजी ने 0.16% रिटर्न दिया। वहीं पीएसयू बैंक इंडेक्स में सबसे ज्यादा 2.19% की गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद पीएसयू में 1.04%, मेटल में 0.04%, हेल्थ केयर में 0.41% और फार्मा में 0.44% की कमजोरी देखने को मिली। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, HCL टेक, TCS, टाइटन, LTI, माइंडट्री, M&M और टाटा मोटर्स इस हफ्ते के टॉप गेनर रहे। इनमें 5.30% से लेकर 2.88% तक की तेजी देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ डिविस लैब, कोल इंडिया, डॉक्टर रेडीज, NTPC, APSEZ, अडानी एंटरप्राइजेस, पावर ग्रिड, SBI लाइफ और HDFC लाइफ निफ्टी के टॉप लूजर रहे। इनमें 4.06% से 1.81% तक की गिरावट देखने को मिली। बैंकिंग सेक्टर पर दिखा सबसे ज्यादा दबाव। बीते हफ्ते बैंकिंग शेयर्स पर सबसे ज्यादा दबाव रहा। पीएसयू बैंक इंडेक्स में सबसे ज्यादा 2.19% की गिरावट देखने को मिली। बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ घटी है, बैंकों का CASA कम है, इनकी क्रेडिट ग्रोथ घटने की आशंका है, बैंकों की कॉस्ट बढ़ी है जिसके कारण आगे इनके NIM पर दबाव रहने की आशंका है। यही वजह है जिसके चलते बैंकों के शेयर्स पर दबाव देखने को मिल रहा है। IT शेयर्स में रही सबसे ज़्यादा तेजी। बीते हफ्ते IT शेयर सबसे ज़्यादा जोश में दिखे। इस हफ्ते IT इंडेक्स में 4.64% की बढ़त देखने को मिली। IT में तेजी की वजह पर नज़र डालें तो US में ब्याज दर घटने की उम्मीद बढ़ी है, US में मंदी की आशंका कम हुई है, US में महंगाई काबू में दिख रही है और ये 3% से नीचे चली गई है, US में बेरोजगारी भत्ते के आंकड़े भी उम्मीद से बेहतर रहे हैं। अगले हफ्ते कैसी रह सकती है बाजार की चाल? कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि ब्रॉडर घरेलू इंडेक्सों ने हफ्ते का अंत बढ़त के साथ किया। BSE सेंसेक्स, निफ्टी 50, BSE मिड कैप और BSE स्मॉल कैप इंडेक्स में वीकली आधार पर 1% तक की बढ़त देखने को मिली। सेक्टोरल इंडेक्सेस की बात करें तो BSE IT और BSE रियलिटी इंडेक्स में वीकली आधार पर अच्छी बढ़त देखने को मिली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से राज्यों को केंद्रीय शुल्कों के अलावा खनिजों पर टैक्स और रॉयल्टी लगाने और पिछले बकाए को वसूलने की अनुमति दी जाने के कारण BSE मेटल इंडेक्स में साप्ताहिक आधार पर गिरावट आई। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के नतीजों के मौसम का समापन निफ्टी 50 इंडेक्स के नेट प्रॉफिट में 5.2% के सालाना ग्रोथ के साथ हुई है। जुलाई 2024 में भारत की रिटेल महंगाई जून 2024 के 5.1% से गिरकर 3.5% पर आ गई। अमेरिका में जुलाई 2024 में सालाना हेडलाइन महंगाई 2.9% रही। बाजार को उम्मीद है कि US फेड अब अपनी दरों में धीरे धीरे कटौती करेगा। बाजार का ध्यान अब मैक्रो डेटा, मौद्रिक नीति एक्शन और भू राजनीतिक घटनाओं पर रहेगा। स्वास्तिका इन्वेस्ट मार्ट के संतोष मीना ने कहा कि पहली तिमाही के कमजोर नतीजे, महंगे वैल्यूएशन और हिंडनबर्ग मुद्दे से जुड़ी चिंताओं ने हाल ही में बाजार पर दबाव बनाया था। हालांकि ग्लोबल भावना में सुधार के चलते बाजार में तेजी लौटी है, इन फैक्टर्स ने इस तेजी में योगदान दिया है। येन कैरी ट्रेड में उलटफेर का डर कम हो गया है। इसके अलावा उम्मीद से बेहतर रोजगार आंकड़ों के साथ साथ मजबूत रिटेल बिक्री के आंकड़े ने अमेरिका में बंदी की आशंका को कम कर दिया है। इसके अलावा बाजार अब ये मानकर चल रहा है कि US फेड सितंबर में ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करेगा। इससे निवेशकों का विश्वास और बढ़ गया है। मास्टर कैपिटल सर्विसेज के विष्णुकांत उपाध्याय का कहना है कि तकनीकी रूप से बाजार 20 डे EMA और 24,400 से 24,450 के अहम रेजिस्टेंस जोन से ऊपर निकल गया है, जहां भारी कॉल राइटिंग देखने को मिली। विष्णुकांत उपाध्याय को उम्मीद है कि 24,800 से 24,850 के संभावित टारगेट के साथ अप ट्रेंड जारी रहेगा। अगर निफ्टी में 24,350 की ओर कोई भी गिरावट आती है तो बाजार में नई खरीदारी देखने को मिल सकती है।